क्या नाम है और पद क्या है आपका? हरि ओम वाल्मीकि, मेरा नाम हरि ओम वाल्मीकि और जिला अध्यक्ष सफाई कर्मचारी महासंघ। आपने एक घोषणा करी है हाथरस की जो बिटिया है उसके साथ जो निर्दयता हुई है, उसके बारे में क्या घोषणा की है आपने? घोषणा यह की थी जो भी अगर चारों दोषियों के बलात्कारियों के सर लाके देता है तो हरि ओम वाल्मीकि की तरफ से और मेरे पूरे समाज की तरफ से 1 करोड़ रुपया हरि ओम वाल्मीकि देने के लिए तैयार है। ये आपने घोषणा किस लिए करी है? अरे मुलजिम है, हमारे समाज के साथ में इतना घरौना काम किया है हमारी बेटी के साथ में, तो इसलिए हमने घोषणा की अगर उनके जो 20 साल ला के देगा तो उनको 1 करोड़ रुपया नकद इनाम दिया जाएगा। इस पर कहीं कोई प्रशासन ने आपके इस बयान पर कोई आपत्ति दर्ज कराई है? नहीं, कोई आपत्ति दर्ज नहीं है। आज क्या प्रोग्राम है आप लोगों? आज हम लोग जो हमारे सफाई कर्मचारी हमारे समाज के लोग हैं काली पट्टी बांध कर हम लोग उसका विरोध करेंगे। ये विरोध कब तक चलता रहेगा? जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, दोषियों को फांसी की सजा नहीं हो जाती तब तक। सरकार वैसे अपना काम कर रही है तो सरकारी कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप लोग? हम लोग कोई सरकार अपना काम कहाँ कर रही है, सरकार अपना काम करती तो आज हम लोग विरोध थोड़ी ना करना करते आज। सरकार की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं? नहीं, हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं। ये इनाम की धनराशि कैसे आप देंगे? अरे हाँ, हम अपने पास से देंगे, हमारे अगर नहीं हो पाएंगे तो हमारे समाज के लोग चंदा करके देंगे। सब लोग इकट्ठा करके चंदा देंगे इस बात के लिए।